क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम इकराउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़यामती शफ़ीअल यसावी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे श्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी बहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मम बिलखैर आमीन या रब्बिल आलमीन। ओके, तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह अगर टाइम बचता है तो इसी लेक्चर में मैं सेंटेंसेस स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मे बी आ सेंटेंसेस बेसिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अपना बुसत चल रहा था और बुसत में अपन ने बुसत में अपने मारफा और नकरा पढ़ रहे थे, जिसमें से अपन ने मारफा को कंप्लीट कर लिया था, मतलब वही अल वाला कल जो लास्ट लेक्चर अपना ऐसा था ना इस बेसिस पे। अब अपन को नकरा और देखना है थोड़ा सा, बस ये थोड़ा सा पार्ट है, इसको थोड़ा रटनी पड़ेगा थोड़ा नगिरा को। उसके बाद मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो इंशाल्लाह अपन सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले तो ये समझिए नकरा होता क्या। नकरा मतलब डेफिनेट। ओके, और मारफा अपन पढ़ चुके थे जो इनडेफिनेट था, आर्टिकल यूज़ कर रहा था ना, ठीक है। और जब नकरा पढ़ रहे थे अपन लोग, नकरा मतलब डेफिनेट। अब नकरा भी जैसे कि एक नेक लगा, किसी एक पर्टिकुलर लड़के की बात करेंगे ना तो वो नकरा होगा, और इनडेफिनेट जो होगा वो होगा जैसे नेक लड़का, ठीक। तो अपन इसमें फाइंड आउट कैसे करेंगे कौन नकरा है कौन मारफा है। तो अपन ने तो चेंजेस पढ़े थे ना कल, कि नकरा को अल लगा देते तो मारफा चेंज हो जाता है। अब नकरा मारफा के बाद ने कुछ अकसाम भी तो पढ़े थे, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी तो पढ़ी थी, जैसे कि वो प्रॉपर नाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन हो, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, और यू नो रिलेटिव प्रोनाउन हो, और अल वाला अलग चीज़ थी, ये थी मारफा के। अब नकरा को आपको सीधे याद करना पड़ेगा तो उसको स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, नकरा का यूज़ होता है जैसे कभी कुछ समथिंग कुछ के लिए यूज़ होता है, कुछ हिंदी का वर्ड होता है ना कुछ, इसके लिए भी नकरा का यूज़ होता है। और कहीं कहीं होता है किसी चीज़ के लिए, जैसे अल्लाह ने सूर अशर में पढ़ाया इन वल अशर इन्नल इंसान लफ़ी खुसरिन, जाए ना जो खुसरिन, जो खुसरिन जो आया है। ओके, जो खुसरिन जो आया है, जो नकरा बन के आया है, तो मतलब जो इंसान है बेशक इंसान किसी बहुत बड़े खसारे में, तो इसकी मीनिंग ये होती है ना। तो मतलब वो अपन को बड़ी चीज़ बताने के लिए भी नकरा का यूज़ हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद किसी चीज़ को बताने, मतलब नकरा कसरत बयान करने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे लिफुलालिन मालुन, मतलब माल की लफ्ज़ नकरा यूज़ किया जा गया। चलो छोड़ो, समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा अरबिक में घुस गए। जैसे भी खुदा के पास बहुत सारा माल है, इसकी मीनिंग ये सीधी, मतलब बहुत सारा, मतलब उसकी क्वालिटी बताने के लिए, कैपेसिटी एक तरह से, कि बहुत सारा माल है। ओके, तो इसके लिए भी यूज़ होता है नकरा का। और नकरा का यूज़ कमी बताने के लिए भी होता है, जैसे रिजवानुल मिल्लाही अकबर, मतलब इसकी मीनिंग क्या है, थोड़ी सी रजामंदी अल्लाह की तरफ से है, थोड़ी सी, मतलब कुछ कमी भी बता रहे ना इसमें, तो इसमें भी हो जाता है, ठीक है। तो ये है नकरा के यूसेस, और इसको याद रखिएगा। ओके, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लें, अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अपन ने इसमें को समझने के लिए सब कुछ पढ़ लिया है, और मैंने ये नोट्स बनाए हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। हाँ, सबसे पहले अपन ने इराब पढ़ा था ना, इराब में पढ़ा था रफ़ा नस्व और जर, तीन हालतें, B1 B2, सॉरी तो हिंदी में इस तरह से लिखा होता है ना, तो लेकिन अपन क्योंकि मैंने आपको जिस पढ़ा इस तरह से पढ़ाया ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाए, रफ़ा होगी, ये नस्व होगी और ये जर होगी, इस तरह से स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसलिए मैंने नोट्स इस साइड से बनाए, ठीक है। रफ़ा नस्ब ज़र, ओके, कन्फ्यूज़ ना होना, ये B1 B2 और ये B3। ओके, सो इसमें क्या है, थोड़े से पॉइंट्स देख लिया, जैसे मुनसरिफ इसमें है, ठीक है, मुनसरिफ इसमें पर तनबीन आती है। तनबीन क्या होती, अपने दो टाइप के इसमें पढ़े थे ना, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, जो लास्ट के लेक्चर में देख लेना क्या होते हैं, जो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा फिर तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक। तो क्या होता था मुनसरिफ इसमें क्या होगा, तनबीन आएगी रफ़ा नस्ब और ज़र, ठीक है, ये तनबीन आएंगी। और जो गैर मुनसरिफ होंगे इसमें बस तनबीन गायब हो जाएगी, सिंपल सा अलिफ हो जाएगा, अलिफ भी जाएगा, तनबीन जाएंगे तो अलिफ भी जाएगा और जे। और इसमें क्या होगा, गैर मुनसरिफ में दो हालतें होती हैं, ठीक है, सॉरी दो हालतें होती हैं, ठीक है, देख लीजिए। जैसे कि मुनसरिफ में क्या होगा, तनबीन रहेगी
अलिफ लाम, लेकिन अलिफ लाम जैसे लगाते तो सब हट जाता था, ठीक है। गैर मुनसरफ में तीन हालतें होंगी लेकिन दो शक्लें होंगी, तनबीन जो है वो नहीं रहेगी, जैसे कि नस्ब और जैद में दो शक्लें, दुन सॉरी दू दा और दा, है ना, समझ रहे हो ना, जैदुन जैदा सॉरी जैदू जैदा और जैदा, तो दिस इज़ अ गैर मुनसरफ इस्म। ओके, अब इसके बाद अपन ने पढ़ा था मबनी इस्म। मबनी इस्म क्या होगा, जो तीनों एक ही हालत में होगा, हाजा हाजा हाजा, यू नो, और जालिका जालिका, और अल्लज़ी अल्लज़ी अल्लज़ी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। हाँ, अब अपन को पढ़ने था जेंडर। जेंडर में क्या था, मेल था और फीमेल था। अपन को मेल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता था, फीमेल को पढ़ लो, इसके अलावा जिस कैटेगरी में जो जो नहीं आएगा वो सीधा मेल में ट्रांसफर होगा ऑटोमेटिक। अब इसमें दो टाइप्स के होते थे, एक होता था हकीकी एक गैर हकीकी। अब गैर हकीकी में तो जो दिखता ही है जैसे माँ बहन, ठीक, और गैर हकीकी में, गैर हकीकी में अपन कुछ अलाम वो देखते थे तो सब डिवाइड होता था, एक अलामतें और एक सिमाई। अलामतों में क्या है, जो देखने से वर्ड में लास्ट में गोलता दिख जाए, या अलिफ मकसूरा सॉरी अलिफ मकदूदा, जैसे कि अलिफ सॉरी ज़बर अलिफ और हमज़ा पे पेश, ये वर्ड के लास्ट में होने चाहिए, नहीं, और ये चीज़ अलिफ मकसूरा भी था, अलिफ खड़ा और ये आ जाए लास्ट में। उसके बाद अपन सिमाई में था, ये मैंने ऊपर लिख दिया, जैसे ये इसी में सिमाई, जैसे हवा आग शराब मुल्क और बॉडी पार्ट के नाम तो नहीं है, इस कैटेगरी में अगर आता था तो अपना वो हो जाता था फीमेल, और अदरवाइज़ नहीं होता तो ऑटोमेटिकली मेल हो जाता था। उसके बाद अपन को पढ़ने थे अदद, ये भी पढ़ चुके थे अपन। क्या होता था, वाहिद मुसन्ना जना, अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, वाहिद मुसन्ना। अब इसको देखिए जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक, मुसन्ना और ये जमा, ठीक है, नोट्स में बस थोड़ा सा आपको रिविज़न के लिए मैंने दिखा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में अब यहाँ से स्टार्ट करते ना तो मैं इसलिए आप सब कन्फ्यूज ना हो। वाहिद मुसन्ना और जमा, ठीक है, वाहिद मतलब बी वन नहीं, जैसे कि अपना सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा टू के लिए, और ये मोर देन टू के लिए हो जाएगा, ठीक है बस। अब जब वाहिद था उसमें अपन देख के पता कर लेते थे कैसे सिंगल है वो, ठीक है, जैसे कि दुन दन और देन, ठीक है, इसकी तीन इराबी हालतें होती थी ना, दुन दन और देन। मुसन्ना होता था तो इसमें अब साउंड पे जाते थे, याद करो मुसन्ना था तो साउंड थे आनी और ऐनी। थोड़ा सा आपको चार्ट और दिखा दे रहा हूँ, ओके ओके, दिस इज़ अ चार्ट। हाँ, जैसे अपना रफ़ा था तो दो पेज थे, दुन दन और दिन, ओके, जब अपना मुसन्ना आ गया दो के लिए तो आनी था और ऐनी और ऐनी, ठीक, और जो लास्ट वाला था जमा, जमा के लिए क्या होता था, मोर देन टू के लिए, तो ऊना ईना और ईना, ये था मेल के लिए। अब फीमेल के लिए क्या था, ये तो सेम रहेगा, जो मेल है वही फीमेल है, ठीक है, जो वाहिद था सिंगल के लिए वो दोनों में सेम है। मुसन्ना में चेंज हो जाता है, ये हो जाता तानी तैनी और तैनी, ये क्या था तानी ऐनी और ऐनी, ठीक है, ये बस ते का यूज़ कर लेते ना उसमें मुसन्ना के लिए, ये भी तानी तैनी और तैनी, ठीक है, और जमा के लिए, अब जमा के लिए उन आतिन सॉरी आतुन आतिन और आतिन, ठीक है, ये हो गया जमा के लिए, लेकिन इसमें क्या था ऊना ईना और ईना। तो अब देखते हैं अपन, मैंने चार्ट, ओके, अब ये दोबारा इस पर आते हैं, और जब मैं ये समझा रहा हूँ तो आप अपने चार्ट खोल के देखते रहना तो ज़्यादा क्लियर आएगा, ओके जैसे कि अपना अब जमा की वाला थी, अब जमा भी दो टाइप्स के थे, ओके, एक था जमा मुकस्सर एक था जमा सालिम। अब जमा मुकस्सर जो था आपको याद ही वर्ड करने थे, जैसे रजुल का रिजाल, नहीं मतलब वर्ड ही चेंज हो जाता था पूरा, ऐसा था, ऐसी जमा सालिम। जमा सालिम में क्या होगा, अब मेल के लिए क्या होगा, फीमेल के लिए क्या होगा, तो मेल के लिए क्या था, दो साउंड थे आनी और ईना सॉरी ऊना और ईना, तो मेल के लिए क्या होगा, ऊना रफ़ा में होगा और जो ईना नस्ब और जौर दोनों में होगा, ठीक है, वो मोनस, मतलब फीमेल के लिए क्या होगा, आतुन और रफ़ा में होगा और आतिन और आतिन जो होगा, ठीक है, नसब और ज़र में, नसब ज़र मतलब वही B2 और B3, ओके ओके। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस क्या होता है, दो मुफरत और मुफरत बहुत सारे मुफरत, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मुफरत मतलब वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज़ चेंज इन टू द सेंटेंसेज, मतलब सीधे सीधे बहुत सारे जब मुफरत मिलेंगे तो उससे एक सेंटेंस बन जाएगा, मतलब ये मुरक्कब बन जाएगा, ठीक है। अब मुरक्कब जो सेंटेंस है ऑटोमेटिकली दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक होता है नाकिस और एक होता है ताम। नाकिस में क्या होगा, जिसमें बात पूरी ना हो, कोई भी सेंटेंस में बात पूरी ना हो, जैसे ये किताब, ये किताब क्या किताब, दिस इज़ दिस बुक, वर्ड वर्ड दिस बुक, तो अपन कहते हैं यह बुक है, अगर ये अपन है लगा दें इसमें तो जैसे ये किताब है, दिस इज़ अ बुक, तो ये हो जाता है ताम में, ठीक है, इस कैटेगरी में। और लेकिन अगर बात पूरी ना हो तो ये हो जाता है नाकिस में। अपन को पढ़ना क्या है, ताम कोई, ठीक है, ये पढ़ते हैं, जो कि बात अपन को कंप्लीट सेंटेंस देखना है। अब इसी को ही ताम कोई कहते हैं, जुमला मतलब सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस। जैसे अब जुमला अगेन दो टाइप में होता है, जुमला इस्मिया होता है और जुमला फेलिया, हमने खबर यह कर दिया, फेलिया है, ठीक है, फेलिया।
ओके, तो जुमला इसमें क्या होगा, जो इसमें से शुरू होगा, मतलब एक वर्ड से शुरू होगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा, मतलब इसमें से शुरू होगा, और जो सब्जेक्ट नहीं इसमें से शुरू होगा, तो मैं इसको बताऊंगा, इसमें का मीनिंग भी बता दूंगा बाद में। और जुमला फेलिया क्या होगा, जो फेल से शुरू होगा, ठीक है। ओके, जुमला फेलिया तो मुझे पढ़ा, इसमें तो मुझे पढ़ाना था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और वीडियो की लेंथ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो सुभान अल्लाह व बिहम्दी अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।